brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. ।2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के कद्दावर नेता मैदान में हैं। बसपा की ओर से नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने अपनी पहली चुनावी रैली बिजनौर के नगीना सीट से शुरू की है और मंच पर आते ही आकाश आनंद बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर हमलावर हो गए और यहां तक कि कह दिया कि महज एक सीट जीतने के लिए एक शख्स इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहता था, लेकिन किसी ने पूछा नहीं तो अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा कि आखिर आकाश आनंद ने अपनी चुनावी सभा की शुरुआत सीधे चंद्रशेखर पर हमला करके क्यों शुरू किया। आमतौर पर कोई भी राजनीतिक पार्टियां मौजूदा सरकार की पॉलिसी के खिलाफ मैदान में उतरती हैं, लेकिन आकाश आनंद मैदान में आते ही सीधे चंद्रशेखर पर ही हमलावर हो गए। जानकारों की माने तो डूबती हुई बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यूपी में अपनी बची कुची पहचान बचाने की है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आकाश आनंद के लिए ये है कि वो अपने आप को दलित राजनीति में मायावती के विकल्प के तौर पर पेश करना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा समय में चंद्रशेखर भी खुद को दलित समुदाय के हितैषी मानते हैं। हालांकि बीएसपी अध्यक्ष कह रही हैं कि वे अभी रिटायर नहीं हुई, लेकिन दलित राजनीति के नेतृत्व को लेकर आकाश आनंद और चंद्रशेखर में जंग छिड़ गई है। लोकसभा चुनाव में इस बार मायावती नहीं उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने प्रचार की शुरुआत की है। मायावती के भतीजे आकाश अब बीएसपी में नंबर दो पर हैं, वे पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आकाश आनंद इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन वे पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने पहली रैली यूपी के नगीना लोकसभा सीट पर की है। यहां से उनके कट्टर विरोधी चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं। वे अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी से चुनाव में हैं। अपनी चुनावी रैली में आकाश आनंद ने चंद्रशेखर को खूब खरी खोटी सुनाई है। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि कोई एक सीट तो दे दे भाई, अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। हमारे प्रत्याशी जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने आए। आइए, अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत है जितने हमारे कार्यकर्ता, तो आप सब अपने हाथ उठाए और बताए कि यहाँ पे सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है और यही प्रत्याशी उसको वो मुंहतोड़ जवाब देने वाले। लेकिन चंद्रशेखर आज भी ये बात जानते हैं कि ये सही समय नहीं है सीधे तौर पर मायावती और आकाश आनंद पर हमला करने का। वैसे चंद्रशेखर आजाद हमेशा से मायावती पर किसी तरह का टीका टिप्पणी करने से बचते रहे हैं, लेकिन एक तरफ जहां चंद्रशेखर पर आकाश आनंद ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आकाश आनंद को अपना भाई बता रहे हैं। आकाश मेरे छोटे भाई आज आ भी रहे हैं, तो आप देखना, वो इसलिए आ रहे हैं कि जब वो चुनाव लड़ा रहे हैं तो उनको आना है। तो लोग ये ना सोचे कि भाई चंद्रशेखर की सीधी मदद कर रहे हैं, तो वो आएंगे और बात करके चले जाएंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ, पूरा संगठन हमें चुनाव लड़ा रहा है और वो भी जानते हैं कि भाई समाज भी देख रहा है कि पहले हमने एक नेता बना दिया, एक नेता तैयार है, दूसरे को बना दो, ये भी अपने पैरों पर खड़ा होगा तो हमारी बात और मजबूत हो जाएगी। एक से भले दो होते हैं और एक और 11 होते हैं, अभी बहनजी है और दूसरा चंद्रशेखर भी खड़ा होगा भतीजे के रूप में, तो दो हो जाएंगे, तो ये हमारी सारी लड़ाई को आसान कर देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि बहन जी आपको परोक्ष तौर से आपको मदद कर रही हैं, आपको उन्होंने खड़ा किया है, आप उनके कैंडिडेट प्रत्याशी भी इतने दिन बाद उन्होंने घोषित किया जब आधा चुनाव खत्म हो गया था। तो वो मैं फिर कह रहा हूँ ना, जल और कुल की सबको आती है, उनको भी आ रही है कि भाई 11 साल से वो हमारा बेटा लड़ रहा है, उतनी मुसीबत है उसके सामने, जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा मुकदमे 39-40 मुकदमे सरकार ने उसके ऊपर लगा दिए, उसके ऊपर गोली भी चल गई। तो वो भी आप समझो ना, कुछ चीजें ऐसी होती जो ना कहने की होती है। अब आपको क्या पता कि हमें कितने परिवार में कितना प्यार होता है।
इन चुनावी आरोप प्रत्यारोपों से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बात तो साफ है कि आकाश आनंद अपने लिए चुनौती चंद्रशेखर आजाद को ही मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।